हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BKSU UG एडमिशन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग मालूम हो कि मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है UG एडमिशन के लिए। 2020-23 के सेशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपको ये बता दें यहाँ पर कट ऑफ भी जारी कर दिया है, किस कॉलेज में, किस ऑनर्स में, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर यहाँ पर कट ऑफ गया है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं मेरिट लिस्ट कैसे देखना है, ये तो मैंने वीडियो बना दिया है, चलिए इसमें भी बता देते हैं कैसे मेरिट लिस्ट देखना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कटअप भी देखेंगे किस कॉलेज में कितना कटअप यहाँ पर गया है, और आप कटअप कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर dailyresult.in की वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो आने के बाद यहाँ पर देखिए बिहार कॉर्नर मिलेगा, जिसमें बिहार के स्टूडेंट के लिए एक खास तौर पर बनाया गया, ठीक है। देखिए BKSU UG एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ 2020 डिक्लेयर, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डायरेक्ट इस जो पेज है इस पर आप आ सकते हैं और अपना सारा चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है, देखिए डाउनलोड UG एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर मेरिट लिस्ट चेक करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पर वीडियो भी यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए डाउनलोड UG एडमिशन कटअप, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आपको कटअप यहाँ पर डाउनलोड करना है, इस वाले पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर UG एडमिशन कटअप, इस पर आपको क्लिक करना है, ये कटअप है, यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया है, इसको हमने ओपन यहाँ पर कर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद चलिए इसको कुछ वेट कर ले, देखिए यहाँ पर ये ओपन होकर आ गया है, ठीक है। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर HD यहाँ पर जो हरि प्रसाद दास जैन कॉलेज है भोजपुर में, ठीक है, तो उसी का यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले इसका इसमें कितना मतलब कटअप किस OBC EBC SC ST में कितना यहाँ पर कटअप गया है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है, तो आपको चलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है, यहाँ पर पहला कॉलेज हो गया, कॉलेज कोड नंबर दिया है। देखिए BA इकोनॉमिक ऑनर्स में जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में यहाँ पर कटअप जो है जो भी आपका ऑनर्स होता है उसी पर यहाँ पर कटअप बनता है, ठीक है। देख सकते हैं BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स यहाँ पर दिया है, सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स, यहाँ पर कटअप देखिए अनरिजर्व मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए 70 है, EWS के लिए 55 है, और BC1 के लिए 61.20 है, और BC2 के लिए 65 दिया गया है, और BC गर्ल्स के लिए 66.20, और SC के लिए 57.20, ST के लिए 61, ठीक है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स देख लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। देख सकते हैं मैथमेटिक्स का यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में कितना यहाँ पर कट ऑफ हाई गया, अनरिजर्व यहाँ पर 97 मतलब 97 नंबर गया, 100 में मात्र 3 नंबर कम है, ठीक है। तो देख सकते हैं, और EWS में यहाँ पर नहीं दिया, देखिए BC1 के लिए 96 गया, BC2 के लिए यहाँ पर 96 गया है, और BC गर्ल्स यहाँ पर नहीं दिया है, और SC के लिए यहाँ पर 95, और ST के लिए यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा हाई कटअप गया है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर SC हो ST हो या फिर BC 1 या फिर अनरिजर्व हो, ठीक है। तो देखिए अगर आप किस जिले गए हैं तो ये लिस्ट तो बहुत लंबा है, तो आपको खोजने में यहाँ पर कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आप ज़्यादा लंबा नहीं है। देखिए यहाँ पर रोहतास आ गया, अगर रोहतास में कोई भी कॉलेज यहाँ पर देखते हैं, चलिए आपको हम रोहतास में सबसे ऊपर से दिखाते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है रोहतास का कोई भी यहाँ पर कॉलेज देख सकते हैं, देखिए तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कौन सा कॉलेज यहाँ पर देखिए DRKK मेडिकल कॉलेज जगदीशपुर, ठीक है, ये भी यहाँ पर भोजपुर का है, डिस्ट्रिक्ट का है, रोहतास के नीचे यहाँ पर होगा, देखिए रोहतास यहाँ पर आ गया। हाँ देखिए यहाँ पर शांति प्रसाद जैन यहाँ पर कॉलेज यहाँ पर रोहतास दिया, ठीक है। BA इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर देखिए 62 गया है, 52 यहाँ पर 53 यहाँ पर देख सकते हैं कटअप, और इसमें जो शांति प्रसाद जैन कॉलेज है इसमें मैथमेटिक्स के यहाँ पर कटअप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको सब्जेक्ट खोजना पड़े, देखिए मैथमेटिक्स ऑनर्स दिया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में 95 गया है, ये जनरल कैटेगरी का हो गया, और ये सब आपको कैटेगरी ऊपर से मिला लेना है। और देख सकते हैं दोस्तों मतलब कि मैथमेटिक्स में कटअप कुछ ज़्यादा ही हाई चला गया है, ठीक है। तो अगर आप इस कटअप में अगर इस कटअप के जो अंडर में आप आते हैं तो मतलब समझ लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में भी आया होगा, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर ये कटअप है जो उस कटअप में उतना आपका नंबर आया होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम आया होगा, ठीक है। तो आराम से जाइए मेरिट लिस्ट चेक करिए, मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो देख लीजिएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपके लिए BKSU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हर जो वीडियो है आपको मिलता रहे।